तो यहाँ टाइम है 7 बजे का, और ये जो पहाड़ों से बकरियाँ लेकर आते हैं इन्होंने भी अपनी बकरियाँ चुगाने के लिए छोड़ दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है दिन को। और मैं भी आज घास लकड़ियाँ कुछ नहीं ले जा रही हूँ, बकरियाँ छोड़ने आई हूँ जंगल में, और आज मैं घास लकड़ियाँ क्यों नहीं ले जाऊँगी। और हम जा रहे हैं कहाँ, जहाँ जा रहे हैं वहीं वेलकम भी करेंगे आपका, और बताएंगे भी हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ छोड़ दी है मैंने बकरियाँ, क्योंकि मुझे दो तीन जगह से हटाना पड़ा उनको, यहाँ पार जैसे कर दी है मैंने। तो वो जा रही थी जहाँ हम हर रोज़ जाते हैं घास में से घास ला, घर को जा रहे हैं, और जाते जाते यहाँ से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। शायद आज का दिन यहाँ चुगाएंगे बकरियाँ, देखिए इनके पास मिक्स बकरियाँ है, भेड़े भी है और बकरियाँ भी हैं साथ साथ में, और मैं भी छोड़ आई हूँ अपनी बकरियाँ ऊपर। जैसे आज मैं लकड़ियाँ लाने नहीं गई हूँ और ना ही घास लाने के लिए गई हूँ, तो बकरियाँ मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए। और अरे छोटे छोटे से बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, देख देखो चू 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 चू। तो ये है हमारी बालाजी बस, ये जाती है बिलासपुर के लिए और यहाँ खड़ी होती हैं। और जो ड्राइवर है ना इस बस के, उनका घर है ऊपर जैसे वो टॉप पे, वो वाला घर है इनका, वहाँ जाते हैं पैदल यहाँ से। तो ये हमारे घर से होते हुए जाती है, तो आज हमें जाना है इसी बस में, लेकिन थोड़ा सा काम अभी घर पर भी है, ठीक है। जय श्री राधा कृष्णा जी, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम दोनों, पीछे हैं मेरी सिस्टर, आज हम नलवाड़ी मेले में जा रहे हैं, और सुबह से वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो बस का टाइम हो चुका था, दौड़ भाग कर किया जो भी काम किया फटाफट से घर में, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा काम रहता है सुबह और शाम, ठीक है। तो यहाँ नलवाड़ी में पहुँच गए हम, बाकी लोग आगे जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, तीनों आए हम साथ में एक ही बस में। और बस में भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, मेले के टाइम में ना बस बिल्कुल भरी रहती है, ठीक है। तो नलवाड़ी में जो भी थोड़ा बहुत हम शूट करेंगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और आवाज़ का पता नहीं है पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, ठीक है। तो दो दिन पहले आए थे बच्चे नलवाड़ी मेले में और आज आए हम, आ गई ये है पीछे सिस्टर, मैं और मेरी शैली, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बूटी है ये भांग, ठीक है, और सबसे ज़्यादा उगी हुई चारों तरफ यही है यहाँ से। तो हम जा रहे हैं नीचे दरिया साइड, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए, भीड़ भाड़ नहीं है ना, तो हम नीचे नीचे से होकर आते हैं और दरिया का नज़ारा भी देख लेते हैं कि कितना जैसा पानी रहा है। बाकी ये देखो पशु चुग रहे हैं यहाँ पे, और इस तरफ साइड साइड से निकल रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है, और बाद में जाएंगे फिर मेले के बीच में। अभी उतना ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, हम पहुँच गए हैं, टाइम अभी 11 बजे हैं, तो मेला भी खाली खाली है, और 12-1 बजे के बाद फिर मेला भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये है बिलासपुर सांडू मैदान के हाल, क्योंकि पानी बहुत ही कम बच गया कोल्ड डैम लगने की वजह से ना, बिल्कुल खाल जैसी बन गई है, और बीच में वहाँ भी सूख गया पानी, ठीक है। और पार्ले साइड के लोग कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। तो ये था सांडू मैदान का थोड़ा सा व्यू, मुझे आपको दिखाना था, और अब हम यहाँ से चले जाएंगे ऊपर मेले में। तो पहले ही मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्यू नीचे दरिया भी देख लेते हैं कि कितना सा पानी है, ऐसा बोल रहे थे सभी कि ना दरिया में पानी बहुत ही कम है, ठीक है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर मेले की तरफ और देखते हैं मेले में नया नया क्या कुछ आया है। तो यहाँ पर आए हैं, इस बार ना मैं 4th साल में मेले में,
चार साल बाद गई हूँ। मेरे में नलवाड़ी मेले में 4 साल पहले गई थी और अब गई हूँ। तो ये यहाँ नए घूमते आए थे, मैंने इनकी भी वीडियो शूट कर ली है और फोटो वगैरह भी हमने यहाँ खींचे हैं और वहाँ से आ गए हैं। वह हम उनको शॉपिंग करते हैं तो वॉइस का पता नहीं, वॉइस पहुँच जल्दी पहुँच लीजिए। और ये यहाँ हॉल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम जा रहे हैं, अगर कुछ खरीदने का होगा तो खरीद लेंगे, लेकिन क्या खरीदें, महंगाई बहुत हो गई है। और ये सोफ़ा सेट भी आए हुए हैं यहाँ, थोड़ी थोड़ी जो भी मुझे अच्छी लगी वीडियो में वही शूट करती रही। और ये देखिए तो सोफ़ा कवर जो कुछ था नया नया मेले में ना, मैंने शूट कर लिया है, लेकिन महंगाई बहुत है, बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोफ़ा सेट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया है। आवाज़ का पता नहीं कि पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे, खरीद तो नहीं सकते थे लेकिन वीडियो तो बना सकते थे। तो इस तरह से फिर ना जब भी देखने होते थे ऐसे ऐसे सोफे आए हुए थे लास्ट में, ठीक है। तो ये ऊपर ने त्रिपाल लगाया हुआ है, बारिश भी हो सकती है इसकी वजह से। और यहाँ बनाया हुआ है इन्होंने मॉल, तो ये बोल रहे थे कि हमने यहाँ मॉल में जाना है और देखना है यहाँ क्या क्या सामान है। तो पीछे पीछे मैं भी जा रही थी क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी होती है थोड़ी थोड़ी। तो सबसे अच्छे तो मुझे यहाँ सूट ही लगे क्योंकि लेडीज़ को सूट ही अच्छे लगते हैं। देखिए तो प्लाजो सूट थे, सलवार सूट कोई नहीं था, प्लाजो सूट थे पर अच्छे थे। और फिर वहाँ से हम थोड़ा, हमें ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो पीछे जैसे था यहाँ पर पानी, जहाँ से हम आए इस तरफ से आए, जहाँ से लोग आ रहे हैं ना इस तरफ से आए हम पानी पीकर, और फिर ऊपर ऊपर से होते हुए गए क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो ऊपर से भी शूट करना था। और यहाँ से ना ये जो झूले लगे हुए ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ से। तो फिर हमें ना साइड साइड से निकलते हुए परली साइड, अभी कुश्ती जहाँ होती है ना उस साइड से निकलेंगे हम, फिर मेले को जा रहे हैं, लेकिन आए थे पानी पीने के लिए। तो ये देखिए ये है झूले, ये किश्ती वाला है और ये बड़े वाला झूला है और ये मछली झूला है उरली साइड में। कम है बे ये वाला भी ना, ये जो ये नहीं है ये बड़ा, ये भी एक ही है, पहले 2-3 होते थी, इस बार यही है कि तो यहाँ से हम पानी पीते हुए ना अगली साइड को जा रहे थे। तो हर एक सुविधा रखी हुई है मेले में भी, ठीक है। तो इस तरफ जा रहे हैं हम, परली साइड से निकल जाएंगे नीचे को ना, जहाँ कुश्ती नहीं लगी हुई है वहाँ, वहाँ निकल जाएंगे हम नीचे की तरफ। हाँ, प्यास लगी थी हमें ना, पानी पीने के लिए गए थे हम पीछे, तो यहाँ से आ गए हम आगे आगे को और इस साइड से निकल जाएंगे नीचे को, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो मुझे कुश्ती का भी बनाना था, जहाँ कुश्ती खेल रहे थे ना। और ये देखिए नीचे तो यहाँ खेली जा रही है कुश्ती, ठीक है। कैमरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा है और ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है ना धूप। तब देखो यहाँ कुश्ती इधर पे कुश्ती और बाकी लोग बैठे हुए देखो, क्योंकि लोगों को ना उतना शौक नहीं जितना शौक काफ़ी दिन पहले होता था, वो इतना ज़्यादा शौक तो उतना ज़्यादा शौक नहीं होता रखते हैं आजकल ना। आज पहले पहले बहुत ज़्यादा पब्लिक होती थी मेले में, इतने अंधाधुंध आदमी होते थे ना, कहीं आप ऐसा समझो कि अगर तेल का दाना फेंकते ना उसको भी जगह नहीं मिलती थी, इतने आदमी होते थे पहले, अब नहीं होते इतने ज़्यादा। अब कुश्ती देखने के लिए भी गिने चुने लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाकर अब हम फिर जा रहे हैं मेले की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी है और धूल भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा चलो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, और बताना आप मुझे कि मेले का वीडियो कैसा लगा आपको। तो ये चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरह से है। तो ये बिलासपुर सांडू मैदान का व्यू बहुत ही प्यारा और प्लेन है, हमारे जहाँ का मैं हर रोज़ वीडियो बताती हूँ ना वहाँ पहाड़ी पहाड़ी है चारों तरफ, तो यहाँ थोड़ा प्लेन है। और ये है दोनों, इनको भी धूप लगी हुई है, बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी से बनाओ ना धूप लगी हुई है। तो यहाँ पर अब वो चले गए हैं बस स्टैंड की तरफ और मैं आ गई हूँ, मुझे जाना है अपने मायके में। तो मैं यहाँ पौड़ियाँ चढ़कर ऊपर, जैसे मेरा भाई आ गया है मुझे लेने के लिए, तो मैं वहाँ अपने भाई के साथ पहुँच जाऊँगी घर। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं घर पर, ठीक है।
अपने अम्मा के घर। तो ये नया वाला घर इस साइड है और ये जो पीछे ये वाला है ना जो बना रहे हैं ये औरों का घर है, जो मेरे चाचा चाची है ना उनका घर है ये, ठीक है। और ये है मेरे पीछे पुराना घर और मुँह तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी धो ही नहीं रखा है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और धूप भी थी धूल भी थी। तो अभी पहुँचे ये बैठे हुए बात कर रहे थे यहाँ पर। और ये है मेरी भतीजी बड़े वाली, ये दो बेटी है मेरे भाई के, तो बड़े वाली बेटी है ये और छोटे वाली पता नहीं कहाँ चली गई। तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, अगला जो भी वीडियो होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।